मैं सुबह 7 बजे से 2 बजे या 2 से 10 शिफ्ट होती थी बॉम्बे टीवी का होता चाहिए, एडिटिंग की भी होनी चाहिए, साउंड की भी होनी चाहिए, एक्टिंग की भी होनी चाहिए, तभी उसका जो टाइटल है वो लास्ट में आता है डायरेक्टेड बाय। इसलिए यू हैव टू नो एवरीथिंग। ये मत सोचोगे चलो कैमरा ऐसा रहूँगा शॉट ले लूँगा, किसका शॉट लोगे, एक्टर का लोगे ना, उसे एक्टिंग तो करानी पड़ेगी। फिर कैमरामैन को आप बताओगे ना क्या लेंस चाहिए आपको, फिर साउंड से बात करोगे क्या आपको चाहिए, म्यूजिक चाहिए तो सोलिंग। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग। डायरेक्टर को आप समझ लो बोल बहुत एक्सपेंड है बट इंजॉय इट है। डेविड सर से पूछा ना कहाँ मैं ज्वाइन करूँ, बहुत दुकानें खुली हुई हैं एंड नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ जीमा, खुदा ही कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे। यू नो व्हाई आई टेल यू व्हाई, नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैकल्टी वी हैव। मैं और डेविड और यहाँ पे 3 लोग और एफ टी आई के बैंगलोर में, वी आर इवन बेटर देन एफ टी आई इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी। आई टेल यू व्हाट, बहुत सी जगह बिजनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, फायदा नहीं है कहाँ क्या जाते हैं। दिस बैकग्राउंड सी हु इज डूइंग इट, दे नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग, दिस इज दे मेड दिस इंस्टीट्यूट कि आगे चले और बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए एंड दे कैन डू इट दिस थिंग। हां थैंक यू। सो आई फील यू नो इट्स रादर गुड, रादर गुड टू अ रेपुटेड प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बॉम्बे में ये बिजनेस बन गया है जगह जगह, स्पेशली एक्टिंग का तो बहुत ज्यादा वो लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं हमारे एफ टी आई वाले सिखाते हैं, बट देन एवरीबॉडी हैज़ टू सर्वाइव, आई कांट रिमार्क ऑन दैट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तकलीफ तो नहीं दे रहा तुम्हें, क्या साउंड ठीक नहीं आ रहा? चलो ठीक है ठीक। व्हाट इज माय एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स, यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार, आई एंजॉय द बेस्ट विद द स्टूडेंट्स, सच बोलने का मौका मिलता है मुझे स्टूडेंट्स के साथ में। नहीं नहीं बहुत अच्छा है ना, फाइंडिंग दिस इंस्टीट्यूट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड मतलब जिस तरह से लोग सब बच्चे लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो आई फील यू नो बहुत एफ टी आई की याद दिला रही है मुझे, बिकॉज क्योंकि लोग एडिटिंग सीख रहे हैं कैमरा सीख रहे हैं, तो जनरली क्या होता है मुंबई में सिर्फ एक्टिंग ही सीखते हैं लोग, तो वैसा नहीं है ये। नहीं टीचर्स पेट वेट जो है ना काम बोलता है, मैं अपने काम में बहुत सीरियस था जब हो गया, और वो भी क्या सीखने का, कोई सीख के तो आए थे, दैट्स व्हाई द लर्निंग प्रोसेस वाज वेरी गुड, मज़ा आता था मुझे जो भी करता था, जो अच्छा करता था वो आगे शोर भी मचा था, आज देख मैंने ये किया तो मैं वैसा था। सब सीखते अपडेट देखो, सब अपडेट देखो क्या है, अपडेट कराने के लिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो मेरे को अपडेट कराते हैं, कई बार स्क्रिप्ट में कुछ अगर कर रहा होता है बोले व्हाट आर यू डूइंग डैड दिस विल नॉट डू वेल, मतलब वो तो एक साथ में फेंक देते थे। सो दैट द यंग जनरेशन सिखाती है आपको, प्लस जो फिल्में भी बन रही है जो चल रही है, देख चेंज ऑफ सिनेमा विच इज़ वेरी गुड, और आपको हमको करना चाहिए, तो टेक्निक से ज़्यादा जो सिनेमा का रुख जो राइटिंग जब परफॉर्मेंस म्यूजिक चेंज हो गया पूरा, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सिनेमा चेंज हो जाता है। डेविड जी आज यहाँ पर आकर आपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई, आई होप कि सभी को बहुत ही पसंद आए, लेकिन आप हमें कुछ पार्ट 2 के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ तक? अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी टाइम है, अभी उम्र ही क्या है यार, अभी तो बहुत सी चीज़ें कर रही है। नहीं देखो क्या अभी देखो बहुत सिंपल बात, ये देखो क्या है, आई हैव कम टू जीमा, इफ यू वांट टू टॉक ऑफ जीमा आई एम गोइंग टू, अदरवाइज एजुकेशन के बारे में कोई आप जिस चीज के लिए आए उसका अब आप पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हो बीच में। नहीं नहीं मतलब आप नहीं नहीं
वो कुछ नहीं, वो सब ऐसा नहीं, सबका इंडिविजुअल होता है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे ये बेस्ट लगता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वरुण अच्छा, अभी तो वरुण ने पैर रखे पालने में, उसको तो कल करने दो ना, अभी टाइम है उसके लिए। सर आपके जो बच्चे इतना ये मतलब पॉपुलर काफी हो चुके हैं, दोनों भी अपनी अपनी जगह पे, तो कैसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में अलग पहचान बना रहे हैं जो आपकी नाम की। अच्छा एक बाप को कैसा लगेगा कल, आप आपके डैडी को कैसा लगेगा, अच्छा काम कर, वैसा ही लगता है हर जगह, इट्स ऑल द सेम। कोई सजेशन दे दें आप उनकी फिल्म में जब आती है। डेफिनेटली देता हूं, जो दे सक जो ले ले वो लोग। मतलब सब अच्छा कर रहे हैं, दे ऑल डूइंग वेल। आज देखो ना, किसी का टाइम नहीं है, दे ऑल बिजी, सो इट्स गुड। आज यंग जनरेशन आ गई है, ऐसे ही आता है, ये हमेशा होता रहा है। सो आई थिंक अभी पिछड़े अभी शुरू किए हैं, अभी 3-4 पिछड़े किए हैं, विल टेक देम टाइम, यू नो, जगह तो बना रहे हैं वो अपनी। एडिटिंग पूरा करके आए हम, ऐसा कुछ नहीं। आई हैड माय कॉन्फिडेंस ऑन दी एडिटिंग। फिर मैंने एडिटिंग मालूम कितने साल की है, 10-11-12 साल एडिटिंग की है, उसके बाद डायरेक्टर बना हुआ। मैंने फिल्में कितनी कर ली थी, मैंने 40 फिल्में कर ली थी जब डायरेक्टर बना, तो ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगा पूरा, वही स्ट्रगल था आपका। हाँ जेरी के बारे में अगर आप बता सकें। ये क्या है जो आपकी फिल्म, कोई मेरी फिल्म नहीं, नहीं जी कुछ नहीं, कोई फिल्म नहीं कर रहा अभी मैं, अभी थोड़ा आराम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं अभी कुछ, अभी कुछ स्क्रिप्ट समझ आए, काम कर रहा हूँ, मतलब वही क्रिएटिव काम में लगा हूँ। अभी स्क्रिप्ट नहीं कुछ है, तो जब तक स्क्रिप्ट तो हो ना, अभी थोड़ा 6-8 महीने का टाइम लिया है, इतनी फिल्में की है, और उम्र के हिसाब से थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए ना, कि ये ऐसे ही लगा रहूँगा मैं। बहुत अच्छी दम लगा के, वो भी अच्छी फिल्म, ये सब अच्छी फिल्म है, इससे ये गुड, बहुत अच्छी फिल्म लगी यार, गुड। अपना इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है श्री राम राघवन। हाँ क्या बोल, No, I'm not saying Zeema is the only platform, but Zeema definitely promises a lot of things. I feel to abhi kitna seekhne ka hai wo aapke andar hai. Zeema will provide you everything. People to teach you, they are great people. They are really very good, very practical. Faculties are very and they are all practical people. I feel jo hai main mila hu sahi hai bilkul. Sir, aapki facilities maine dekha nahi, main to kabhi gaya nahi. Ye wahi facilities of जो हम लोग शूट करते हैं वो सब है इधर। सर कंपटीशन काफी ज्यादा है, पहले सुपरस्टार बनते थे, आप मानते हैं कि आपके जमाने में भी सुपरस्टार थे, कम समय रहता है स्टार का, पहले सुपरस्टार बनते थे शाहरुख हो गए, फिर पुराने जमाने में जो स्टार थे काफी लंबा समय होता था। नहीं यार क्यों लंबा, अभी भी सब लंबे ही हैं। इस जनरेशन में किसको सुपरस्टार कर रहे हैं, देखो अक्षय कुमार है, सब काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास। अजय देवगन है, ऑब्वियसली तीनों खान्स हैं, ऋतिक रोशन है, दे ऑल बिजी इस टाइम, तो बल्कि यू हैव सो मच ऑफ देम, दे ऑल बिजी। यंग जनरेशन में आगे 4-5 जो हैं, दे ऑल्सो वेरी बिजी। दे आर डूइंग सो वेल यार, मैं क्या कहूँगा यार, कहने लायक नहीं हूँ, दे आर गोइंग टू टेल अस। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं आई डिडंट कंट्रीब्यूट वे ही बिकेम एक्टर करण जोहर लॉन्च्ड हिम, आई डिड द नेक्स्ट फिल्म बट आई डिडंट कंट्रीब्यूट, वाज ऑल कब कर रहा था क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम, और पता नहीं लगेगी, अभी अच्छी लग रही है, नॉट बैड, बट करूँगा डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। चाय पिलाते नहीं बोला, बोलो चेयर पीछे ले लो ना सर, चेयर थोड़ा सा पीछे ले लो, चलो ये सर आ जाओ, आ जाओ, हां
आप बंदा है लेकिन आप आसान बंदे हैं। सर लोग क्या सेंटर? देवी सर यहाँ पे। देवी सर यहाँ। देवी सर यहाँ पे। सर लोग क्या? चलो हो गया। सर सिंगल पिक्चर। सिंगल पिक्चर हाँ। सर सर। देवी सर यहाँ पे। सर सेंटर। हाँ। देवी सर यहाँ पे। सर देवी सर यहाँ पे। थैंक यू।